नहीं थी, अफसोस से कहना पड़ता है कि ये उल्फत हुसैन जो हाड़िम रोड का रहने वाला था, एक केस में पुलिस को वांटेड था और पुलिस ने उसको बुला के एक सोची समझी साजिश के तहत सरेंडर करवाया, और सरेंडर करवा के गॉड नोज किसी के प्रेशर में या किसी से ठेका करके उसका बेमाना कत्ल किया, जिसकी मैं पुरजोर लफ्जों में मजम्मत करता हूं, और इस कत्ल की सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं, क्योंकि बदकिस्मती से डिस्ट्रिक्ट पहुंच का काला कानून कोई ना कोई सानिया अवाम और इंतजामिया के दरमियान हायल होता है। मैं इस कत्ल की पुरजोर लफ्जों में मजम्मत करता हूं और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूं, डायरेक्टर जनरल पुलिस से अपील करता हूं, आईजी जम्मू से अपील करता हूं, डीआईजी रजौरी से अपील करता हूं, डिप्टी कमिश्नर पुलिस से अपील करता हूं, एसएसपी पुलिस से अपील करता हूं कि सबसे पहले एसएचओ सोनकोट को सस्पेंड किया जाए और उसके बाद इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाए। जैसा कि हमारे सुनने में आया है कि जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो की गई है, वो बहुत कम इंक्वायरी है, क्योंकि यहां मोनोपोली के तहत मैंने देखा कल एक फजलाबाद का आई विटनेस पुलिस ने प्रोवाइड किया जो मीडिया के सामने कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहा था, क्योंकि पुलिस के अंदर सुनकोट के अंदर मेंडल के अंदर इस किस्म की मोनोपोली है कि इंतजामिया ने अपने खैर खवा खरीद के रखे हुए हैं किराए के लोग जिनके इस किस्म के धंधे हैं, जो इस किस्म का के काम अंजाम देते हैं वो आई विटनेस बनते हैं, और जब भी कोई टीम आती है तो वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं। हम उनको क्या देना चाहते हैं कि जगह जगह पर इस किस्म की साजिश मत करो, हम इसकी निंदा करते हैं, और अभी यहाँ इंसानियत जिंदा है, अभी यहाँ ईमान वाले लोग जिंदा है, एसएचओ को फौरी ट्रांसफर करके इसमें इंक्वायरी की जाए और जिन लोगों के हाथ से ये कत्ल हुआ उनको सामने लाया जाए। थैंक यू। बाकी सीबीआई के इंक्वायरी होनी चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे इनके साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ भी जुल्म हुआ है, अगर उसने थोड़ी सी गलती की तो उन्होंने मीना पकड़ियो, मीना टारगेट की हो, मीना मारियो, खुद भी उन्होंने पुलिस के हवाले की हो, अगर उन्होंने मी कानून हवाला का थोड़ा आप कानून हो क्या क्या उसने मान हो, अगर उसने गलती की थी उन्होंने कानून सजा दिया, 7 साल दिया, 14 साल दिया, जो दफो तो उसको 376 को वो कानून जाने की, आप आम आदमियों को हम थोड़ा सजा देनी, अगर उसने गलती की थी कोई भी आदमी मार छोड़ा उसमें गवर्नमेंट को क्या काम है या पुलिस स्टेशन बढ़ाने को क्या काम है। पुलिस का कहना है कि उसने फांसी लगाई है, आप क्या कहना, आप क्या मानते हो सर? सब साजिश है, जब मैं घर गया 4 बजे घर पहुंचा हूं, मैं अपने घर रहा हूं, सुबह मुझे 5 बजे कॉल आई पुलिस कांस्टेबल की के आपके भाई ने ये किया वो किया, आप रजौरी आओ, अगर उसने ऐसा किया था तो वो मुझे वहां 4 बजे बुला सकते थे सुनकोट पुलिस स्टेशन में, अगर मुझे वारिस उन्होंने बनाया था तो वो बुला सकते थे, इंक्वायरी मेरे से ले सकते थे, आपके भाई ने ये किया। क्या है ये कत्ल कैसे हुआ, आपका क्या मानना है? सर ये सब साजिश है, जो भी किया पुलिस स्टेशन की कस्टडी में हुआ है उसका जिम्मेदार पुलिस ही होगी, एफआईआर होना चाहिए, सीबीआई कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े अफसोस की और दुख की बात है कि जैसा कि बारिशों का कहना है कि 4-5 अक्टूबर को उल्फत हुसैन सनब लाल सेन को यहां किसी केस में लाया गया था, एफआईआर नंबर 314 अंडर सेक्शन 376 and 366 आईपीसी के तहत। उसके बाद इनका कहना है कि जैसे कि उसके भाई ने जो स्टेटमेंट दिया है कि यहां से पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हुई है, यहां से इन्होंने उसको रजौरी रेफर किया है, जिंदा हालत में किया या मुर्दा हालत में किया है हमें चीज का कोई पता नहीं, और मुझे फोन करके इन्होंने बुलाया और बाईपास से सीधा भेज दिया मुझे कहां रजौरी, और वहां से उसकी डेड बॉडी लेके आए और रातों रात उसको दफना दिया। मैं यही कहूंगा जहां तक बात इंसाफ की है, हक की है, हम किसी को मेंशन तो कर नहीं रहे या नॉमिनेट नहीं कर रहे कि किसने किया है, लेकिन हमारी ये डिमांड है डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन साहब से, एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब रजौरी पुंछ रेंज और आईजी साहब से, और
एलजी साहब तक हम ये मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियल और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें जो कस्टडियल डेथ हुई तो जो भी इसमें कल्प्रिट है मुलजमान को सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यह जुल्म है। उसके फोटो देखें आप, उसकी बाजू फ्रैक्चर है, उसकी टांगे फ्रैक्चर है, उसके प्राइवेट पार्ट पे जो है वहां वो फ्रैक्चर और स्वेलिंग है, मौके पे लोगों ने देखा है और रातों रात उसको दफनाया गया है। हम इंसाफ की मांग करते हैं, हम सिर्फ इंसाफ के लिए खड़े हैं और इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। आज अगर उल्फत के साथ ये मसला हो सकता है, कल किसी भी मजलूम के साथ पुलिस स्टेशन में ये मसला हो सकता है, कल किसी को भी। देखिए अगर कानून जुडिशियल इंक्वायरी के बाद उसको 20 साल की सजा होती, 10 साल की सजा होती, 50 साल की सजा होती, जो कानून उसको सजा देता वो हमें मंजूर थी, वो पूरे जितनी भी इंसानियत है उसको मंजूर थी। लेकिन पुलिस स्टेशन में उसको इस तरह से मारा, इस तरह से टॉर्चर किया, ये इससे बढ़ के इंसाफ की तजलील क्या होगी, इससे बढ़ के इंसानियत की तजलील क्या होगी, इससे बढ़ के जुल्म क्या होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि फौरी तौर डीएम साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, एसएसपी साहब से, एक टीम बैठाई जाए, सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए इसकी और जो भी इसमें मुलजम पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ये यतीम बच्चे जो हैं इनको इंसाफ मिलना चाहिए। शुक्रिया। मीडिया हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां इस धरती सुरनकोट के अंदर मौजूद हैं और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप गरीब आवाम का, ऐसे मजलूम लोगों की आवाज बने। अल्लाह रहा आप बिके मत, क्योंकि आपको सहावत का दर्जा है। अगर सहावत का दर्जा आपको मिल गया है तो सहावत का मायना आपको समझना चाहिए कि सहाफी का क्या मर्तबा होता है। मैं बहुत ही अफसोस के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे गांव का एक छोटा सा लड़का जिसका नाम उल्फत हुसैन है, उसके वालिद का नाम लाल हुसैन मरहूम है, जो कि उसका वालिद आज से कबल 5-6 महीने फोत हो गया था और ये यतीम बच्चे थे। उस बच्चे ने कोई किसी कारण कोई गलती की जिसकी वजह से उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके साथ ऐसी बर्बरियत के साथ ऐसी जालमाना हरकतें की, इतनी तशद्दद की कि वो बेचारा उसकी जद में मर गया। मरा वो ऐसे कि पुलिस ने रात को मारा, उसका एक बाजू गुसल देते वक्त देखा हम लोगों ने कि उसका एक बाजू फ्रैक्चर था, उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जिसके ऊपर जर्ब ना लगी हो। बड़े दुख से यह कहना पड़ता है कि इस पुलिस को, पुलिस हम में से है, उस जालिम आप ये इंसाफ करो, अगर कोई कसूरवार है तो उसके लिए हम हिंदुस्तान के मुल्क में रहते हैं, हमारे इस हिंदुस्तान के मुल्क में, जमहूरी मुल्क में निजाम है, कानून है, उस कानून के दायरे अख्तियार में सजा देनी चाहिए, उसके हिसाब से उस मुल्जिम को सजा देनी चाहिए थी, न कि अपने हाथ से जालमाना तरीके से उसको जबा किया गया। और मैं ये गुजारिश करूंगा, फिर उस पर इल्जाम लगाया कि उसने फांसी लगाई है। कर अफसोस की बात, मैं पूरी इंसानियत से यह सवाल करता हूं कि आप देखिए कि हवालात के अंदर कोई भी मुल्जिम आज तक किसने अपने आप को फांसी लगाई है, अगर फांसी लगाई तो उसने किस मुसीबत में फांसी लगाई है। मैं ये आपसे सवाल करता हूं, आपका हक बनता है इस बात को उजागर करना। उसके अलावा मैं चाहूंगा मेरी किसी पुलिस वाले के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, एक जरूर कहूंगा कि आप हम में से हैं, आप इंसाफ करें। अगर आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता कि किसी को कत्ल किया जाए और उसको मार के यहां से रेफर किया गया रजौरी में, रजौरी उसको मशीन में रखा गया। अरे उसकी आवाज नहीं थी, उसकी आंखें तक नहीं खुली तो वो यहां से मुर्दा हालत में रेफर किया गया। क्यों रेफर किया गया उसको मुर्दा हालत में? इसलिए कि उसको दबाने के लिए कि हम बताएं कि इसने वो फंदा डाला है गले में। किस चीज का फंदा डाला? आवालाट के अंदर जो कंबल होते हैं उसमें तो वो कनारी धंधी नहीं होती है। अगर एक आदमी का बाजू फ्रैक्चर था तो उसने कैसे उस कंबल को फाड़ा? उस जालिम को कैसे कंबल फाड़ा जाता है? एक बड़े से बड़ा नौजवान आदमी मेरे सामने आए, उसको मैं कंबल दूंगा, वो फाड़ के जरा बताए कि मैं इतनी ताकत रखा हूं कंबल को फाड़ के अपना गला बांध सकता हूं? कोई भी बताए अगर ऐसा कर सकता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये जुल्म हुआ है। हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, जरूर पुलिस कोई ना कोई खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ केस बनाएगी, कोई बात नहीं, अगर बनाएगी तो हम शहादत के लिए तैयार हैं इस मामला में। बहरहाल ये चीज हम चाहते हैं कि ये जो एप्लीकेशन हम ये मुल्जम की तरफ से लिखी गई है, इसकी जुडिशियल कस्टडी के अंदर तहकीकात की जाए। सीबीआई हम मांग करते हैं कि सीबीआई के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पुलिस के खिलाफ एफआईआर लगानी चाहिए, जो भी पुलिस का आदमी इसमें इन्वॉल्व है
उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और मैं आपने दर्शक एक सजेशन दूंगा एसएचओ सुप्रीम कोर्ट को, अगर आप इंसाफ वाले हैं आप इसके मुस्तकीज बनो, ना कि मुजरिम बनो। आप मुस्तकीज बनो, उस आदमी को सामने करो कि जिसने इसका कत्ल किया गया है। तो एसएचओ साहब के सामने मैं छाती तार के खड़ा हूँ कि उनका नाम कहीं भी नहीं लिया जाएगा। अगर वो खुद इन्वॉल्व है इसमें तो फिर सोच लें कि उनके साथ क्या हश्र होगा। ये ना सोचें कि आज अल्लाह ने आपको सितार दिया है, कुर्सी दी है, तो मैं किसी को खा जाऊंगा, नहीं खा सकते आप। हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इस जमहूरी मुल्क में रहते हुए हम कानून से, हम इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील सुरन कोर्ट से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं आप सब मिलकर इस कत्ल को क्या नाम है सामने लाओ, तहकीकात करो। और मैं एक और छोटी सी गुजारिश करूं कि उस रात एक नायब तहसीलदार जो है हमारे मढ़ौट का, उसके साथ एक हमारा पटवारी था, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन दलों ने जाके जबरदस्ती उस रात को रात के 1:30 बजे दफनाया गया। कोई मुर्दा 1:30 बजे दफनाया जाता है? वह घर वाले, उसके बिरादरी वाले सब ये कह रहे थे कि इसको दिन के उजाले में हम दफनाएंगे, लेकिन उस तहसीलदार ने यह कहा कि इसको इसी वक्त मुझे हुक्म है। वो जरा बताए किसका हुक्म है कि रात के अंधेरे में उसको दफनाया गया, और इसलिए दफनाया गया कि उसके ये शवाहिद कत्ल के हैं जो खत्म किए जाए। वरना हम लोगों ने ऐसा किया कि गुस्ल करते वक्त उसके फोटो बनाए, ऐसे तक उसके प्राइवेट पार्ट को खत्म किया हुआ था, उसके जिस्म में वो राड की जरबें थी कि जिसके उसके जिस्म को फाड़ के बिल्कुल रेजा रेजा किया हुआ था। इस हालत में उसकी मौत हुई। तो आप इंसाफ करें, मैं पूरी सुप्रीम कोर्ट की आवाम से बिना मजहब मिलत, बगैर किसी पार्टी के, इंसानियत के नाते दरख्वास्त देना चाहता हूँ कि अल्लाह आप सारे निकले और इस जुल्म के सामने आए, इस जुल्म के आवाज बुलंद करें और इस मजलूम को ऐसा इंसाफ दिलाएं